अब हम जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे हम सीधे काशीपुर। अभी हम रुद्रपुर पार कर चुके हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे काशीपुर जीजू के घर। एक रात वहाँ रुकेंगे, दूसरे दिन हम रामनगर को निकलेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको काशीपुर का नज़ारा। तो ये हम पहुँच गए काशीपुर। काशीपुर पहुँच गए, अब आएगा जीजू का घर। तो लो, ये आ गए जीजू के घर की रास्ता। अभी हम, ये घर पड़ता है हेमपुर के अंतर्गत। हम आ गए घर में। अब आपको छत का नज़ारा दिखाएंगे हम यहाँ से। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, काशीपुर की गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से जाएंगे हम रामनगर। सकल पे तो 12 बज रहे हैं। हम घूम रहे हैं हेमपुर, काशीपुर से थोड़ा सा आगे, यानी कि काशीपुर और रामनगर के बीच में पड़ता है हेमपुर। तो ये हमें हेमपुर घुमा रही है हमारी भांजी। हाय, देख लिया आपने, बहुत तेज स्कूटी भगाती है। अभी अभी एटीएम में से पैसे निकालने हैं। चलो घुमाते हैं आपको हेमपुर। तो बस जा ही रहे। हेमपुर भी एक गांव की तरह ही है, क्योंकि यहाँ का माहौल गांव जैसा ही दिख रहा है मुझे तो। अब हम एटीएम से पैसे निकाल के रूम में आ रहे हैं। आपको शैतान बच्चे की करतूते दिखाएंगे। बहुत रोता है और शैतानी बहुत करता है। अब हम रामनगर पहुंच चुके हैं। ये रामनगर चौराहा आ गया। इससे थोड़ा सा आगे जाके ये जा रहे हैं हम गर्जिया मंदिर की रास्ता। यहाँ से आगे को 15 किलोमीटर गर्जिया मंदिर स्थित है, और आज तो मेला जैसा चल ही रहा है। और आप देखते रहिए। फिर आज के दिन बहुत भीड़ है, सब नैनीताल रामनगर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। अधिकतर नैनीताल जा रहे हैं सब इसी रोड से। ये हम गर्जिया मंदिर के गेट पे पहुंच गए हैं। ये जाती है पौड़ी गढ़वाल साइड, और ये जाता है गर्जिया मंदिर का रास्ता। आज बहुत भीड़ लग रही है, आप देख सकते हो, बहुत सारी कारें खड़ी थी बाहर। गर्जिया देवी मंदिर, ये मंदिर माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। रामनगर डैम से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ का खूबसूरत वातावरण खूबसूरती का एहसास कराता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में से गिरिजा देवी मंदिर देवी का अहम स्थान है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको गिरिजा देवी के नाम से पुकारा जाता है। यह हमारा धुना है माता रानी का। यहाँ महाकाल है, काल रात्रि है, भोलेनाथ भी है। गिरिजा माता मंदिर है, प्राचीन मंदिर। माता की बबूत लेने से शरीर का दर्द, रोग, शुगर, बीमारी सब खत्म हो जाती है। शक्ति है यहाँ पर, भूत प्रेत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं यहाँ। घर का कोई कलेश हो, कैसी परेशानी हो, मन्नत मांगती पूरी, मगर इस धुने पे जरूर आना पड़ता है। पंडित जी का कहना था कि गिरिजा देवी के दर्शन करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। बड़ी देर में आया ये बड़ी देर में आया, बड़ी देर में आया, एक घंटे से वेट कर रहा था इस समय, अब आ रहा है, देख रहा है। ऐसे बोल रहा है, एक घंटे से खुद और क्या, वो परेशान हो गया पीछे वाला, ये पता नहीं कब पहुंचाएगा।
ये घंटा लेट हो रहा है पूरा पूरा। देख रहा है नाम बदल बदल के बता रहा है। इस मंदिर में माँ भगवती देवी वैष्णवी के रूप में स्थित है। यह मंदिर कोसी नदी के किनारे बना हुआ है। कलंतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था। अब आए तो मंदिर जाना ही पड़ेगा यार, बहुत लंबी लाइन लगी। ओह माय गॉड, मंदिर की लाइन। और क्या कह रहा था भाई, हम हमारे लाइन देख के तो हमारे दर्शन हो गए यार। बड़ी अच्छी पिक आई भाई। अब तो लाइन दिखाते हैं। सुबह सुबह श्रद्धालुओं की इतनी लंबी लाइन लग गई है। हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा, देख सकते हो आप। चलो इनसे पूछते हैं आप कुछ। और दिन प्रतिदिन इसकी ख्याति बढ़ती हुई है। और एक तो ये पर्यटक स्थल होने के कारण और भी इसकी ख्याति बढ़े चली जा रही है। आए दिन अभी नवरात्रों में बड़ी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। माता से कई मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना दुख दर्द माता के आगे उसका निवारण होता है। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तत्कालीन लोगों की अभी धारणा थी कि कोसी नदी की बाढ़ में यह टीला बह के आया था जिसपे मंदिर स्थित है। पाप करके आए ये रोहित भाई, हमारे पाप करके आए इसलिए इतनी लंबी लाइन लग गई। देख रहे हो, तभी हम जा नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर लाल वस्त्र, नारियल, सिंदूर, धूप आदि को चढ़ाया जाता है और माँ की वंदना की जाती है और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी का छत्र आदि चढ़ाते हैं। वर्तमान में गिरजिया देवी मंदिर में माता की 4.5 फीट ऊंची लंबी मूर्ति स्थित है। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, हेलमेट भी है हमारे पास। चलो भाई चाबी लाओ, देख रहे हो कितनी भीड़। यह दूसरी चीज रामनगर की, इसे कहते हैं झूलापुर। यह गिरजा देवी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे यानी पहले ही पड़ जाता है। और अब ये देखो नई चीज रामनगर की, तुमने देखा ना, देखी नहीं होगी ये वाली चीज। बहुत बढ़िया पुल है, बिल्कुल मस्त। तुम्हें नई चीज दिखाने लाया रामनगर की। ये वाला पुल देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करें कि आप सबने ये वाला पुल देखा है यहाँ पर रामनगर में। बढ़िया है, बिल्कुल मस्त। यहाँ पर भी सब खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ का पानी का स्तर बहुत ही कम है। यहाँ पर बोटिंग भी चल रही है और इस साइड तो बहुत सारा रौला चल रहा है, देख लो। अभी अच्छे से वीडियो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर सब बोटिंग कर रहे हैं, नाव में घूम रहे हैं। वैसे यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं और यह एक पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर सब पिकनिक मनाने आते हैं और बढ़िया जगह है। ये रोहित भाई हमारे, ये राज भाई हमारे, ये अलकित भाई, देख रहे हो ये यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं सब। पिकनिक स्पॉट, इधर भी बैठे पड़े हैं सर।
देखो कहाँ बैठे पड़े हैं। ये है हमारा रामनगर का पुल। कौन सा पुल है रे? कुछ नाम होगा इसका, पता नहीं, बाद में बताएंगे आप। चलो अब यहाँ से हम जाएंगे अगर टाइम होगा तो रामगढ़ मंदिर। रामगढ़ी कौन सा रे? हनुमानगढ़ी या रामगढ़ी? हनुमानगढ़ी मंदिर जा रहे हैं। ठीक है फिर, बाय बाय। देखो कहाँ बैठा पड़ा हूँ मैंने, पता है? ये देखो, ये सफ़ेद कफन बांध के निकला है। ये दबंग इंसान बहुत देख रहे हो, ये कैमरा मैन हमारा। और बहुत मस्त जगह है बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर आइए और अगर फिशिंग करना चाहते हो यहाँ पर, अगर मछली मारना चाहते हो, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर और कोई रोक टोक नहीं, आप मार सकते हो बेझिझक। ये देखो मछलियाँ यहाँ पर, ये ग्रुप में निकली हैं ये मछलियाँ। ये देखो कादे कादे बहुत आए थे, बहुत मछलियाँ हैं यार यहाँ पर। अब जा रहे हैं यहाँ से घर, पुल को दिखाऊं। सब शूटिंग वगैरह चल रही है आसपास। एक ही दुकान है यहाँ पर खाने पीने के लिए, और बढ़िया जगह, बढ़िया घूमने आ जाइए जरा। गर्जिया मंदिर आओगे उससे पहले ये पुल पड़ जाएगा, 1 किलोमीटर पहले ही। हॉर्स राइडिंग आपको दिखाते हैं हम, ये जो पुल आए थे इस पुल से, पता नहीं जो भी कहते हैं पुल की रास्ता है पुल में जाने की। देख रहे हो पुल में घूमने वालों की भी लाइन लगती है यहाँ पर। आती है बर्जिया मंदिर, ये जाती है अब हम पहुंच गए हनुमान धाम। आप देख सकते हो ये हनुमान धाम का गेट है और हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब हम अपनी बाइक को टिकाएंगे, बाइक जहाँ पर खड़ी है, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और मंदिर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो फिर चलते हैं इसके अंदर। यह मंदिर जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, इसलिए यह हनुमान धाम इसका नाम पड़ा। और हम जूते खोल के जा रहे हैं ऊपर। यह वाइट मार्बल से इसकी सीढ़ियाँ बनी पड़ी हैं और ये लगा है इनका। हनुमान धाम के ऊपर की सीन क्यों? अब चलते हैं मंदिर के अंदर, पुजारी से कुछ पूछताछ करेंगे और यहाँ के बारे में पूछेंगे। ऐसे भी अंदर शायद इंटरव्यू चल रहा है उनका, वो भी कुछ बताएंगे हमें। यह विश्व का प्रथम हनुमान धाम बनाया गया, विश्व का, अभी तो भारत का नहीं, विश्व का। यहाँ हनुमान जी के जो हमारे वायु पुराण में बताया गया कि हनुमान जी के जितने स्वरूप हैं वो सारे स्वरूप यहाँ विद्यमान हैं। 9 स्वरूप और 12 लीलाएं, पूरे 21 स्वरूप यहाँ हनुमान जी के विराजमान हैं। अब मुख्य मूर्ति हमारे गर्भगृह है,
मुख्य मूर्ति है हमारे प्रेम स्वरूप हनुमान जी का। बाकी जितने हमारे पुराण में बताए गए वायु पुराण में वो सारे स्वरूप यहाँ दिव्यमान हैं, हनुमान जी के विराजमान हैं। और ये विशेषकर हनुमान धाम बनाया गया है और भविष्य में इसके साथ विकलांग हॉस्पिटल भी जोड़ा जाएगा जो इसका निर्माण कार्य चालू है अभी। और जिस तरह हनुमान जी ने सेवा समर्पण और भक्ति से अपने जीवन को समर्पित किया था उसी तरह इस धाम का भी उद्देश्य है विकलांग बच्चों की सेवा करना। पंडित जी हमने सुना है कि संजीवनी बूटी लाते समय जी जी यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया था। जी जी इस जगह पर विश्राम किया था हनुमान जी ने, जो यहाँ पर गर्भगृह बनाया गया है इस जगह पर हनुमान जी ने विश्राम किया था। और जो हमारे इसके सत्ता अध्यक्ष आचार्य विजय जी उनकी प्रेरणा से ही ये हनुमान धाम बनाया गया है। उनकी प्रेरणा से इनको हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देके प्रेरित किया कि मतलब हनुमान धाम बनाया जाए करके, और उनकी प्रेरणा से ही ये हनुमान धाम की स्थापना हो पाई है। तो ये पंडित जी मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि चारों तरफ हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, तो इसकी क्या महत्ता है? जी हनुमान जी ने जितने भी अपने जीवन में जितने भी कार्य सिद्ध किए थे वो सारे उनके स्वरूप इसमें विद्यमान हैं। हनुमान जी का प्रेम स्वरूप है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, सियाराम के दर्शन कराते हुए हनुमान जी हैं, संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी हैं, गणेश जी विद्यमान हैं, गणेश जी के साथ अंजनी माता हनुमान जी हैं, बाकी संजीवनी अंगूठी देते हुए लंका दहन करते हुए राम दरबार है, और रामायण हनुमान जी रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान अपने वानर स्वरूप में बैठ के पढ़ रहे हैं रामायण, ये राम सेतु का निर्माण करते हुए हनुमान जी, और राम परिवार है पूरा। ये किष्कंधा कांड का है जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाने के लिए भेंट करने के लिए जाते हैं उस समय अपने कंधे पर लेके जाते हैं, वो स्वरूप है। संजीवनी बूटी हुए लाते हुए हनुमान जी हैं। बाकी ऊपर है हमारे यह सूर्य को निकलते हुए हनुमान जी, जी ये बाल स्वरूप है, ये सुरसा के मुँह से निकलते हुए, बाकी ऊपर स्वरूप ये लगे हुए हैं। तीन परिक्रमा मार्ग में तीन इधर हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हनुमान जी और राम जी का मिलाप है इधर, और इधर भी दीवार में भी है लव कुश हैं सामने। ठीक, धन्यवाद पंडित जी, जय श्री राम। बहुत बढ़िया जगह है, मस्त अच्छा है, यानी भीड़ भाड़ हो रही है आज के दिन। यहाँ पर मनोकामना धागा बांधे जाते हैं, कुछ मांग कर यहाँ पर बांधा जाता है। और ये है मंदिर शिव जी का। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं घर, घूम लिया हमने हनुमान धाम, देख सकते हो ये रामनगर रोड पे 1 किलोमीटर अंदर को है। फिलहाल तो ये रामनगर से पहले ही पड़ जाता है, 7-8 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। ये देखो मोबाइल में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, वैसे भी बहुत अच्छा है, आओ यहाँ पर भी घूमें। ठीक है फिर, बाय बाय, जा रहे हैं हल्द्वानी होके घर अब। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करो यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मुझे पता है आपको अच्छी लगी होगी, और जाओ घूमो, 31st के अब न्यू ईयर मनाओ, बाय। और एक बात तो रही गई, एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, तो आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर।